नमस्कार, स्वादिष्ट खाना बाय अनीता जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीताफल की सब्जी बना रहे हैं, इसको कच्चा पेठा भी बोलते हैं। ये सीताफल मैंने 300 ग्राम लिया है, जो दो जनों के लिए पर्याप्त है। ये मैंने धो के वॉश कर लिया है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कुकर में बना रहे हैं, मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। इसमें हम ये मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, एक चम्मच। सिर्फ एक चम्मच ही डाला है मैंने ये मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादा नहीं। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसमें मेथी डालेंगे। इससे पहले मैंने इसमें हींग डाल दिया है। हींग भुनना स्टार्ट हो गया है। अब आधा चम्मच हम मेथी दाना डाल रहे हैं, पीली मेथी, सूखी मेथी है ये। देखिए भुनना शुरू हो गई है। इसमें मैंने इसे पेठे के साथ साथ उसके छोटे छोटे हरे छिलके भी मैंने इसे बारीक कट करके डाल दिए हैं। हरे छिलके की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और एक हरी मिर्च डाली है हमने। ये 1/4 चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी कलर के लिए, नमक 1/4 चम्मच डाल दी है, क्योंकि जैसे घिया, तोरी और पेठा, ये तीन चीज ऐसी है और साथ में टिंडा, इनमें नमक कुदरती ही होता है, तो इनमें नमक हमें कम ही डालना चाहिए। मैंने सभी मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। गैस को अब मैंने लो पे कर दिया बिल्कुल ही। पहले अभी ये मैंने हाई पे छोक के फिर मीडियम किया था जब मसाले डाले, और अभी हम चला रहे हैं इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक चम्मच ऐसे पानी डाला है जिससे कि ये हमारे जो सूखे मसाले थे ये जल ना जाए, क्योंकि मैं टमाटर तो डाला नहीं, तो रेशा तो कोई हुआ ही नहीं। तो अब हम इसको बंद करके मैंने इसकी कुकर की लाइट लगा दी है, और अब मैंने इसको वापस से फुल पे ही कर दिया है। ये देखिए झटपट 5 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है। इसमें जैसे सूप की आवाज़ होएगी, सीटी आने से पहले ही हम इसको फ़ौरन बंद कर देंगे, और हमारे पेठे की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही जल्दी बनती है ये। ये देखिए जैसे अभी आवाज़ हो रही है ना इसके अंदर कुकर की, बस हमें इतनी ही चाहिए। ये बन गई, मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसको कुकर को खोला है। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। जो मैंने ये एक चम्मच पानी डाला था, एक चम्मच ही पानी इसमें बचा है। देखिए कितनी अच्छी हमारी सीताफल की सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसमें मैंने ये एक हरी मिर्च डाल दी थी साबुत, किसी की इच्छा हो तो खाओ, नहीं तो अलग इसको निकाल दो। और देखिए एक चम्मच ही मैंने इसके अंदर पानी डाला था, वो जो का जो बच गया है। अगर आपको एक चम्मच भी नहीं डालना तो भी थोड़ा सा घी अच्छा सा डाल देना, और बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा ये नींबू का रस डाल रही हूँ, क्योंकि खट्टा तो इसमें हमने कुछ डाला ही नहीं है, तो आधा नींबू डाला मैंने। ये एक चुटकी मैंने गरम मसाला डाला है, और हल्की सी सूखी मेथी, क्योंकि इसमें मेथी ही अच्छी लगती है। आप धनिया डालना चाहो धनिया भी डाल सकते हो। ये देखिए थोड़ी सी ये सूखी मेथी मैंने इस पर रख दी है। अब आप ये देखिए कर रहा है ना खाने का मन, लग रही है ना बहुत सुंदर। और कोई कह सकता है कि ये मैंने कुकर में बनाई है? एकदम एक एक फांक देखिए बिल्कुल अलग अलग है इसकी, सभी फांके कोई घुल मिल नहीं गई कि ये घुल गया है। और देखिए इसका अगर आप काट के भी देखोगे इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से
देखिए अलग की अलग ही निकल गया है और दूसरा पोर्शन भी एकदम जूसी है, ये देखिए। तो अब आप भी झटपट कुकर में ही बनाइए और अपना खाइए और मुझे बताइए इसमें कुकर में और कढ़ाई में आपको क्या फ़र्क लगा है। भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा, मैंने तो दोनों पहले बनाई फिर खाई, तभी मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की। हमें कहीं जाना होता है तो उसमें थोड़ी देर लगती है, बार बार देखो, तो इसमें तो झटपट बन गई। एक ही विसल पूरी भी नहीं आती, बस जैसे सीटी तेज बजने वाली होती है फ़ौरन बंद कर दो और बस जब वो सीटी निकल जाए और इसको खोल दो और बस ये लो हमारी बन गई पेठे की सब्जी। चलिए आगे नई रेसिपी की तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।